दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं केनरा बैंक का एटीएम पिन कैसे बनाते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे। आपको किसी भी एटीएम मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एटीएम मशीन पर जाकर एटीएम पिन कैसे बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरह से ऑनलाइन एटीएम पिन बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दिए, साथ साथ आप इस बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सीधा आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से फिर लाइक भी कर दीजिए। गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन करने में आपको सर्च में टाइप करना है केनरा बैंक नेट बैंकिंग, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है नेट बैंकिंग केनरा बैंक, आपको इस पर क्लिक करना है। तो केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर देखें नेट बैंकिंग डेस्कटॉप सीट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, जो कस्टमर आईडी होता है, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो कस्टमर आईडी अगर आपने दिया ऐप से अकाउंट को ओपन किया होगा तो आपको कस्टमर आईडी मिला होगा, तो वो आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी इंटर करना है। अगर आपने पासवर्ड नहीं बनाया तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर कर देते हैं, और ये कैप्चा शो कर रहा है ये इस बॉक्स में इंटर कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ सारा डिटेल्स मैंने फिल कर दिया, उसको साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है कॉर्नर पर, और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए है डेस्कटॉप सेट, इस पर आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह इंटरफेस मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा जूम करना है। और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में सीट मैप। ठीक है, सीट मैप पे क्लिक कीजिए। तो सीट मैप पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, और उसको आपको नीचे आना है यहाँ पर देखिए। और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टैंडर्ड पिन जनरेशन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक किया, उसका आपको डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पर शो करेगा, तो आपको इस पर टेक मार्क लगाना है। और लगाने के बाद यहाँ पर कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर करना है, मंथ और ईयर। ठीक है, तो चलिए यहाँ इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, तो आपका रजिस्टर नंबर पर आपका एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं इंटर कर देता हूँ ओटीपी। मैंने ओटीपी इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक किया, उसके बाद देखें यहाँ पे आपको इंटर न्यू एटीएम पिन, कंफर्म न्यू एटीएम पिन, उसको यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। एटीएम पिन जो भी आप रखना चाहते हैं वो एटीएम पिन यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए 4 अंक का मैं एटीएम पिन यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, 1 2 3 4। उसको दोबारा आपको यहाँ पे इंटर कर देना है कंफर्म, 1 2 3 4। इंटर कर दिया, उसको रीसेट एटीएम पिन पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यार यूआर पिन इज सक्सेसफुली जनरेट। ठीक है, तो इस तरह से आप पिन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आपको एटीएम पे काम नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप एटीएम पिन बना सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ली ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सीधा आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।